हेलो दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तो तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। जी हाँ दोस्तों, भले ही इस दुनिया में, इस संसार में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सभी लोग बुलंदियों के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग सफलता के गुण को अपनाना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग सफलता के उस बुलंदी को छू पाते हैं। वैसे तो सफलता के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सभी गुणों का निचोड़ है यह दो लाइन, और यह दो लाइन है, सफल लोग उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। सफल लोग उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। भाई अच्छा नहीं लगता। वन मोर टाइम, सफल लोग उन कामों को करने की आदत ही डाल ली भाई जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। भाई अच्छा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, असफल लोगों को हार्डवर्क, कमिटमेंट और पैशनेट रहना अच्छा नहीं लगता। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि असफल लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना पसंद नहीं है। जिम्मेदारी उठाने में बहुत हद तक असफल लोग मुकर जाते हैं। जिम्मेदारी लेने में, जिम्मेदारी उठाने में दुख, तकलीफ, दर्द महसूस होता है असफल लोगों को। लेकिन ठीक इसके विपरीत सफल लोग जिम्मेदारी उठा उठा के, दर्द सह सह के, तकलीफ सह सह के एक योद्धा बन जाते हैं। अब सफल व्यक्ति कोई भी जिम्मेदारी उठाने को, जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटते और एक योद्धा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक शब्द में कहूँ तो सफल व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सफलता के उस बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो जिम्मेदारी उठाने के लिए एक योद्धा बनना पड़ेगा भाई, एक योद्धा बनना पड़ेगा। कहते हैं ना दोस्तों, भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। दोस्तों पसंद आया तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले मोटिवेशन के साथ। आपने एक जोश, जज्बा, एक जुनून पैदा करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।